नमस्कार, मैं पल्लवी राजपूत स्कूल पल से। इस टाइम हम हैं प्राइमरी स्कूल मकाड़ा जोन चौकी चौरा में। ये जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट स्कूल है जो कि राजौरी कॉर्नर में आता है। यहाँ से राजौरी जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होती है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्कूल है। तो आइए देखते हैं इस स्कूल की पल्स। हमारे साथ है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मकाड़ा का एक स्टूडेंट, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो बेटा, आपका नाम? अंशु शर्मा। स्कूल का नाम बताओगे? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मकाड़ा। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। अच्छा, सेकंड में। तो बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? फौजी। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू। जैसे कि हम सबको पता ही है, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम में बच्चों को जो है कंफर्ट जोन में लाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, यूनिफॉर्म फ्री, मतलब विदाउट यूनिफॉर्म आना भी अलाउ करते हैं, ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री होके और अपने कंफर्ट जोन में होके मतलब स्टडी कर सके और एग्ज़ाम के लिए वो स्ट्रेसफुल ना हो। तो AIC के साथ हमारे साथ स्टूडेंट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो बेटा, आपका नाम? सार्थक शर्मा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई मीन फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी मैन। अच्छा, आर्मी मैन। मतलब आर्मी बनने का ही क्यों आया, और कोई मतलब आपको नहीं आया कि आर्मी ही क्यों, आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपका नाम? प्रीति साहू। प्रीति साहू, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे? हाँ। अच्छा, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी अच्छी चल रही है। तो आपको टीचर्स किस तरह से, मतलब टीचर्स की हेल्प मिल रही है? यस, हमें रेगुलर सर हमारा टेस्ट लेते हैं, हमें रिवाइज कराते हैं रेगुलर। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मकाड़ा के टीचर्स, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हो हमारे स्कूल पल्स में। थैंक यू मैम। तो सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम विनोद शर्मा मैम। अच्छा, तो सर, इस स्कूल में आप कितने देर से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं मैम 15 साल से इधर ही हूँ। अच्छा, मतलब 15 साल से आप इधर ही हैं। तो सर, किस तरह का सिस्टम, क्योंकि जैसे हमने देखा ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है सबसे लास्ट स्कूल है और जहाँ से जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रही है, तो किस तरह की डीलिंग आपको बच्चों को है वो स्टडी कराने में, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कैसे डील करते हैं आप इनको? मैम, यहाँ पिछले तबके ये गरीब पेरेंट्स के जो है वो बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो हम काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, तो अपनी तरफ से भी जो भी होता है उनको हेल्प करते हैं, जैसे नोटबुक्स हो गई वो भी लेके देते हैं कभी कभी, कभी कभी हम यूनिफॉर्म्स भी जो है वो अपनी जेब से लेकर इनको देते हैं। काफ़ी गरीब तबके के बच्चे जो है वो हमारे पास आते हैं, तो हेल्प काफ़ी करते रहते हैं हम उनकी। हाँ जी सर, जैसे हमने देखा बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो सर, आपको कोई दिक्कत वगैरह, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं इनको बच्चों को है स्टडी कराने में? नहीं मैम, दिक्कत तो कोई नहीं आती, बच्चे टैलेंटेड हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस पावर्टी है थोड़ी, वो आगे आती है पेरेंट्स के, तो जिनसे इनकी बेसिक ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस कारण से थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ दिया जा रहा है मैम। अभी ये रिसेंटली ये बाथरूम जो है वो गवर्नमेंट बना रही है, उसके साथ मिड डे मील जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, तो बच्चे भरपेट दिन में खाना खाते हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं मिड डे मील को भी वो। थैंक यू सो मच सर। तो मैम, आपका नाम? मेरा नाम स्वर्णा कुमारी है। अच्छा, तो मैम आप कितनी देर से स्कूल में पढ़ा रही हैं बच्चों को? हमारा 2003 में ये स्कूल खुला, तब से मैं इधर ही हूँ। अच्छा, मतलब इधर ही पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में, मतलब काफ़ी देर से आप भी हैं यहाँ पे? मेरा काफ़ी अच्छा है, मैं बच्चों को काफ़ी मेहनत से पढ़ाती हूँ, और जिनके पास पेंसिल कापी वगैरह नहीं होती हम लेके देते हैं, टॉफ़ीज़ लेके देते हैं बच्चों को, ऐसे स्कूल आ जाएं रोए नहीं ऐसे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए, तो इनकी मदद करते ही रहते हैं जितनी भी हो सके। तो हाँ जी, मतलब हमने देखा बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको डीलिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इनके पेरेंट्स भी बड़े मतलब बैकवर्ड ही है ना, इनको कुछ घर में कुछ भी नहीं बताते हैं, हमें स्कूल ही सब कुछ करना पड़ता है इनका। अच्छा, तो थैंक यू सो मच मैम, होप आपके स्टूडेंट्स जो है बहुत ही आगे निकले, तो आई होप। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे कि हमने इस स्कूल के बच्चों से बात की, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, तो इनको हाइजीनिक रखने के लिए भी प्रॉपर मतलब ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम का काम लगा हुआ है प्रॉपर,
वॉशरूम बन रहा है इनको हाइजीनिक रखने के लिए बच्चों के लिए, ये तो अच्छी बात है, हाइजीनिक रखना चाहिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे साइड में ही स्कूल के रोड जा रहा है, प्रॉपर देखिए मतलब रोड जा रहा है ये, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वॉल का सिस्टम नहीं है। जैसे कि वॉशरूम बन रहा है प्रॉपर बाउंड्री वॉल का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल में मतलब पढ़ते हैं तो ये गाड़ियाँ आती जाती हैं रास्ते में, जैसे कि कोई भी लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बाउंड्री वॉल लगवानी चाहिए ताकि बच्चे प्रॉपर जो है सिस्टम में स्कूल में बैठ सकें और उनको किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी प्रॉपर इनको बाउंड्री वॉल का जो है सिस्टम देना चाहिए, तो यही इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। तो थैंक यू। हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मकाड़ा के साथ ही एक छोटी सी शॉप है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से यहाँ पे स्टडी होती है। तो सर आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे स्कूल पल्स में। शुक्रिया जी। तो सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल शर्मा है। तो सर आप यहाँ पे शॉप मतलब शॉप करते हैं, तो कितने समय कब से आपकी ये शॉप है? देखिए मैं पिछले 5-7 साल से इधर शॉप कर रहा हूँ, तो तब से मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, ये स्कूल मेरे शॉप से पहले का चल रहा है। हाँ जी, बहुत साल पहले का। तो सर आपको क्या लगता है यहाँ के जो टीचर्स हैं प्रॉपर बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ हाँ, टीचर बहुत मेहनती हैं, हमारे पास 3 टीचर हैं स्कूल में, वो तीनों ही काफ़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब सब कुछ ठीक है मतलब आपकी नज़र में? हाँ हाँ, स्कूल में सब ठीक है। हमारे पास बाथरूम की कमी थी तो वो हमने वीडियो ब्लाट से मतलब वो बताया था उनको, उन्होंने हमें बाथरूम के लिए पैसा सेंक्शन किया है, बाथरूम का काम है जो चल रहा है। और अभी हमें स्कूल में ये परेशानी आती है कि ये स्कूल है जो बिल्कुल रोड के साथ में है और इसमें जो बाउंड्री वॉल की सुविधा हमारे स्कूल में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जो कि खेलते खेलते कई बार रोड में चले जाते हैं, और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमें कोई बाउंड्री वॉल का प्लान हमारे स्कूल को मिले ताकि हमारे बच्चे सेफ और सिक्योर अच्छी तरह से इधर पढ़ाई कर सकें। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद।